शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरो, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नानादि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा गृह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व इसका क्या फल है। सूत जी बोले, हे राजन सुने। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई, वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिर गए। शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। सौनिक ऋषि सूत जी बोले, कृपा कर अब आप भौम प्रदोष की कथा का वर्णन करिए। भौम प्रदोष का व्रत की कथा का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।